एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्प्लाइस नाम की एक फिल्म की कहानी। ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पे 5.7 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म को हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड किया था और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये काफी ज्यादा स्पेशल लगी। कहानी की शुरुआत क्लाइव और एल्सा नाम के दो वैज्ञानिकों से शुरू होती है जो नई स्पीशीज बनाना चाहते हैं। वो अपने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं जहां वो अलग अलग तरह के जीवों के DNA को मिलाकर एक नया जीव बनाना चाहते हैं। उन दोनों का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है जिसके बाद कि वो दो नए जीवों को जन्म देते हैं। जब उन जीवों को एक साथ मिलाया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक मेल और दूसरा फीमेल है। इस एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के बाद वो चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का स्टेप 2 भी चलाया जाए जिसमें कि वो अलग अलग तरह के जानवरों के DNA को इंसानों के DNA से मिलाएंगे। इसी चीज को लेकर जब उनकी उनके बॉस के साथ मीटिंग होती है तो उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोनों ही साइंटिस्ट बहुत ज्यादा जिद्दी और बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, इसलिए वो चोरी चुपके इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर देते हैं। जब वो अलग अलग तरह के जीवों के DNA को इंसानों के DNA के साथ मिलाते हैं तो उन्हें बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके वो एक्सपेरिमेंट्स डिनाय हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एल्सा किसी इंसान का DNA देती है और वो DNA उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों इंसान और जानवरों का हाइब्रिड बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद एल्सा उस DNA को लेकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। क्लाइव इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एल्सा से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एल्सा और क्लाइव ने ये डिसाइड किया था कि वो पूरा का पूरा इंसान नहीं बनाएंगे, वो बस ये देखकर छोड़ देंगे कि क्या ये दोनों स्पीशीज एक साथ मिल भी सकती हैं या नहीं। लेकिन जब एल्सा को ये पता चलता है कि ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड बनाया जा सकता है तो वो चाहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया जा सके। क्लाइव उसे ऐसा करने से बहुत बार रोकता है लेकिन एल्सा रुकती नहीं और वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देती है। अब वो दोनों चोरी चुपके पूरी लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट का ख्याल रखते हैं और इस बात की पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई और उनके अलावा इसे देखे नहीं। इसी दौरान क्लाइव का भाई गेविन उसे बताता है कि उन्होंने जो जीव पहले बनाए थे जैसे कि उनमें कुछ हार्मोनल बदलाव दिख रहा है। क्लाइव इस बात पर गौर नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने नए एक्सपेरिमेंट पे है। क्लाइव और एल्सा को ये एक्सपेरिमेंट किए हुए अभी एक तो दिन में नहीं हुए होते कि वो देखते हैं कि बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और एक दिन जब वो अपने घर पर चैन से बैठे होते हैं तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आती है कि लेबोरेटरी में कुछ गलत हो रहा है। वो दोनों भागकर अपने एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि बेबी डिलीवर होने वाला होता है। एल्सा को लगता है कि किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट हो सकता है और वो बेबी मर सकता है, इसलिए वो अपने हाथों से ही डिलीवरी करवाना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक से वो बच्चा उसके हाथों को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। क्लाइव ये देख के बहुत हड़बड़ा जाता है और वो चाकू से उस आर्टिफिशियल थैली को काटकर उसमें से बच्चा निकाल लेता है। उस अजीब से जानवर को देख के क्लाइव बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एल्सा से कहता है कि उन्हें इसे मार देना चाहिए। लेकिन एल्सा उसे ये करने से मना कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो सबको ये बताएं कि उन्होंने क्या बनाया है। क्लाइव एल्सा की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है लेकिन फिर भी एल्सा उसे किसी तरह से मना लेती है। वो दोनों उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके रखते हैं लेकिन अगले दिन वो जाकर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ एक खाली शेल दिखाई देता है जिसमें से बच्चा गायब होता है। जब एल्सा इधर उधर देखती है तो उसे सामान के पीछे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। क्लाइव चेम्बर से बाहर चला जाता है और वो अंदर जहरीली गैस छोड़ने लगता है। लेकिन तभी एल्सा अपना मास्क उतार लेती है और क्लाइव ऐसा करना बंद कर देता है। एल्सा और क्लाइव अब बच्चे को मारते नहीं हैं और चेम्बर में एक नशे वाली गैस छोड़ते हैं ताकि वो बच्चा बेहोश हो जाए। ऐसा करने के बाद वो बच्चे में से कुछ सैंपल्स देते हैं। जब वो उन सैंपल्स को एनालाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस सैंपल के DNA बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि वो बच्चा कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत भी हो जाएगी। एल्सा अब क्लाइव को इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है कि वो दोनों के दोनों कुछ ही दिनों के लिए उस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि उसकी मौत बहुत जल्दी होने वाली है। एल्सा और क्लाइव जब उस बच्चे को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें उसमें कुछ ऐसे अंग दिखाई देते हैं जो इंसानों में नहीं होते। लेकिन वो धीरे धीरे इस बात को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये नए इंसान का कोई नया अंग होगा। एल्सा उस नए बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता और धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि उस नए जीव को सिर्फ मीठी चीजें खाना पसंद है। एल्सा जितना वक्त उसके साथ बिताने लगती है उसे उस बच्ची से प्यार होने लगता है, इसलिए एल्सा और क्लाइव डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिस लेबोरेटरी में वो दोनों काम करते थे उस लेबोरेटरी में अब कुछ मेंटेनेंस का काम होने लगता है, इसलिए उस बच्ची को छुपाना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बेसमेंट में एक छोटा सा रूम बनाकर उसे वहीं छुपा कर रखेंगे।
कुछ ही दिनों के बाद वो बच्ची इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो एक 5-6 साल की बच्ची जितनी बड़ी लगने लगती है। 19 दिनों में ही वो बच्ची इतनी ज्यादा समझदार होने लगती है कि वो पढ़ने लिखने भी लगती है। एल्सा की टी शर्ट पर एक दिन नर्ड लिखा था जिससे कि वो नई बच्ची पढ़ लेती है। इसी से खुश होकर एल्सा डिसाइड करती है कि अब वो उस बच्ची को ड्रैन नाम से बुलाएंगे। एल्सा और क्लाइव बेसमेंट में बैठ के ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या उन्हें अब ड्रैन को रखना भी है या नहीं। उन दोनों की आवाज इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि बाहर से गुजरता हुआ गेविन उनकी आवाजें सुन लेता है और वो जैसे ही अंदर आता है ड्रैन उस पर हमला कर देती है। पहले तो गेविन उस बच्ची से बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब क्लाइव उसे समझाता है तो वो एक्सपेरिमेंट को छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, लेकिन जैसे ही क्लाइव उसे पानी में डालता है उसकी तबीयत अचानक से सही हो जाती है। इसी के साथ उन्हें पता चलता है कि क्लाइव के पास गिल्स भी थे जिनकी वजह से वो पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी। ड्रैन को ऑब्जर्व करते वक्त जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स क्लाइव और एल्सा ने उसमें देखे थे वो और कुछ नहीं बल्कि गिल्स थे। जब एल्सा और क्लाइव के बनाए हुए सबसे पहले हाइब्रिड्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने लाया जाता है तो ऐसा कुछ होता है जिसकी कल्पना उन दोनों ने नहीं की थी। वो दोनों के दोनों हाइब्रिड्स एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। जब एल्सा और क्लाइव इस बात पर रिसर्च करते हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ तो उन्हें समझ में आता है कि उन जीवों में अचानक से हार्मोनल चेंजेस होने लगे थे जिसकी वजह से कि वो फीमेल से मेल कन्वर्ट हो गए थे, और जब दोनों मेल्स को एक दूसरे के सामने लाया गया तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए और उन्होंने एक दूसरे को जान से मार दिया। उनके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद उन्हें ड्रैन की चिंता होने लगती है, इसलिए एल्सा ये डिसाइड करती है कि वो उसे अपनी माँ के फार्म हाउस ले जाएगी। अब गेविन भी एल्सा और क्लाइव की मदद करता है और उसकी मदद से वो दोनों उसे लेबोरेटरी से बाहर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं ड्रैन वहां से भाग जाती है, और जब एल्सा और क्लाइव उसका पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रैन ने एक खरगोश को मार दिया है और वो उसे खा रही है। एल्सा उसे किसी तरह से मनाकर वापस फार्म हाउस ले जाती है, लेकिन कुछ दिन वहां बिताने के बाद ड्रैन वहां बोर होने लगती है और वो एल्सा से जिद करती है कि अब उसे बाहर जाना है, लेकिन जब उसे ऐसा करने से मना किया जाता है तो वो छत के रास्ते से बाहर चली जाती है। एल्सा और क्लाइव उसका पीछा करते हैं जहां ड्रैन उन्हें छत के छोर पर खड़ी हुई नजर आती है, और अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैन के पंख निकल आते हैं। वो जैसे ही वहां से दूर उड़ने की कोशिश करती है क्लाइव उसे वापस बुला लेता है। क्लाइव उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे उन दोनों के साथ ही रहना चाहिए। ये सुनने के बाद ड्रैन रोने लग जाती है और वो क्लाइव को हग कर लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रैन को एक बिल्ली मिलती है जिसे कि वो अपना पेट बना लेती है और उसके साथ खेलती रहती है, लेकिन एल्सा को जब इस बात का पता चलता है तो उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैन को उससे किसी तरह की बीमारी हो सकती है। वो उस कैट को उससे छीन लेती है और उसे दूर ले जाती है, लेकिन ड्रैन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए एल्सा उसे वो कैट वापस कर देती है। ड्रैन जैसे ही उस कैट को पकड़ती है वो अपनी पूंछ पर बने एक चाकू से उसे जान से मार डालती है। ये देखने के बाद एल्सा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्रैन को पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद वो ड्रैन को पकड़ के बांध देती है और उसकी पूंछ काट देती है, साथ ही वो उसके सारे कपड़े भी उतार लेती है और उसे कहती है कि वो अब जानवरों जैसे बिहेव करने लगी है, इसलिए हमें उसे इंसान की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। क्लाइव जब ड्रैन को इस हालत में देखता है तो वो आकर उसे कपड़ों से ढक देता है, और जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसका डीएनए और किसी का नहीं बल्कि एल्सा का ही है। क्लाइव जब एल्सा को इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है तो एल्सा उसे बताती है कि किस तरह से उसने बाकी लोगों के डीएनए को अपने डीएनए से बदल दिया था, इसलिए ड्रैन और किसी का नहीं बल्कि उसी का अपना हिस्सा है। साथ ही एल्सा क्लाइव को बताती है कि उसने ड्रैन से लिए हुए डीएनए से प्रोटीन बना लिया है जिससे कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। क्लाइव और ड्रैन एक साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि वो एक रोज शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ऐसा करते हुए क्लाइव उन्हें देख लेती है और वो गुस्सा होकर वहां से भाग जाती है। क्लाइव भागते हुए एल्सा की तरफ जाता है और वो एल्सा से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि ये गलती से हो गया है और उसने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। साथ ही एल्सा भी अपनी गलती मानती है कि उसे ड्रैन को नहीं बनाना चाहिए था। बहुत वक्त तक बात करने के बाद दोनों जब ड्रैन से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाते और ड्रैन मर जाती है। वो दोनों उसे दफनाने के बाद अभी घर ही वापस आ रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में गेविस मिलता है। गेविस अपने साथ लेबोरेटरी के मालिक को भी वहां लाया है ताकि वो उसे बता सके कि उन्होंने ड्रैन जैसे एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर दिया है।
लेकिन एल्सा और क्लाइव उन्हें बताते हैं कि ड्रेन की मौत हो चुकी है। अभी उनकी बात खत्म ही नहीं हुई होती कि अचानक से उन्हें बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो ड्रेन को गैविस को मारते हुए देखते हैं तो उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि ड्रेन के साथ कुछ गलत हुआ है। असल में ड्रेन के साथ वही हो रहा था जो एल्सा और क्लाइव के बनाए हुए सबसे पहले जीव के साथ हुआ था। एल्सा पैदा तो फीमेल हुई थी, लेकिन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से अब वो मेल कन्वर्ट हो गई थी। इसके बाद ड्रेन सबको जख्मी कर देती है, लेकिन वो एल्सा को कुछ भी नहीं करती और उसे पकड़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्लाइव बहुत ही जख्मी हालत में वहां आता है और ड्रेन को जान से मार डालता है। इसके बाद हम कहानी में आगे देखते हैं कि एल्सा के अलावा बाकी सब लोगों की मौत हो चुकी है और एल्सा अपनी बॉस के साथ इसी एक्सपेरिमेंट के स्टेप 3 की बात कर रही है। जैसे ही वो स्टेप 3 को एक्सप्लेन करती है, हम देखते हैं कि एल्सा प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है। एक्सपेरिमेंट का स्टेप नंबर 3 और कुछ नहीं बल्कि एल्सा का बच्चा पैदा करना है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये फिल्म साल 2009 में आई थी, लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त आप इतना फ्रेश फील करोगे कि आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि ये फिल्म इतनी पुरानी है। साथ ही हम इस फिल्म से एक सीख ले सकते हैं कि प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना कितना ज्यादा घातक हो सकता है। सो थैंक यू सो वेरी मच। तो जैसे कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने ये वीडियो अपने एक सब्सक्राइबर की रिकमेंडेशन पे बनाई है, तो अगर आपके पास भी ऐसी कुछ फिल्में हैं या ऐसी कुछ कहानियां हैं जिन्हें देखकर आपको ये लगा कि इसका रिव्यू बनाया जा सकता है और ऑडियंस के साथ शेयर किया जा सकता है, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और साथ ही हमारा चैनल बहुत ज्यादा नया है और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपना काम और अच्छे से कर सकें और ज्यादा ऑडियंस के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। Blue, 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 blue